हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला। तो 11th वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्रिएट अ रूट स्लैश फाइल डॉट टॉर डॉट बीजेड टू फाइल विच विल टेक बैकअप ऑफ स्लैश यूजर स्लैश लोकल। यानी हमें इस नाम की एक टार कॉम्प्रेशन फाइल बनानी है और उस टार कॉम्प्रेशन फाइल में स्लैश यूजर स्लैश लोकल का बैकअप लेना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होती है कमांड टार। तो टार कमांड क्या करती है, किसी भी फाइल का बैकअप लेने में मदद करती है। तो हमें इसको करने के लिए टार हाइफन सी वी फॉर वर्बोसली जे यानी बी जिप टू टाइप, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि bzip2 कॉम्प्रेशन टाइप हमें यूज करना है, इसलिए लिए हम इसमें स्मॉल j लिखा। उसके बाद f यानी फोर्सफुली, और उसके बाद क्या करना है, किस फाइल का हमें बैकअप लेना है। तो हमें लेना है स्लैश यूजर, तो हम इसका नाम इस पीडीएफ में देख लेते हैं। तो इसका नाम है स्लैश रूट स्लैश bzip2। तो इसके सामने हम उस नाम को पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इस नाम से फाइल बनानी है और किसका बैकअप लेना है, स्लैश यूजर स्लैश लोकल का। इसके बाद हम जस्ट सिंपल एंटर दबाएंगे, तो ये सारा बैकअप हमारा उस नाम के फाइल में आ चुका है। तो इसको चेक करने के लिए हम सिंपल ll करेंगे और हाइपल एल करेंगे यानी लॉन्ग लिस्टिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल डॉट टार डॉट bzip2 हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इसके अंदर हमारा बैकअप आ चुका है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम सिंपल कैट करेंगे और फाइल डॉट टार डॉट bzip2 करेंगे। तो ये सारा इनक्रप्टेड फॉर्मेट में है, क्योंकि ये सारा कॉम्प्रेसिंग करके आया है, इसलिए यह हमें नहीं दिखाएंगे। फिर भी आपको देखना है तो vim करके उस फोल्डर का नाम लेके और एंटर दबाए, तो यह सारा हमारा बैकअप आ चुका है उस वाले फोल्डर का। तो हमारे ये वीडियो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और ये क्वेश्चन भी हार्डली 1 मिनट लेता है, और ये क्वेश्चन का मार्क्स है 10 to 12। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग वीडियो। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।